हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, ठीक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 63 रुपये प्रति किग्रा की चाय 90 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किग्रा हो जाए, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 63 रुपये प्रति किग्रा की चाय और 90 रुपये प्रति किग्रा की चाय, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में सारे प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का जो तरीका है लगभग ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 63 रुपये आपके, और यहाँ पे हो गया चाय 90 रुपये प्रति किग्रा, ठीक। और यार इसका जो है 72 रुपये मिक्सचर मिलाने के बाद क्या हो जाता है उसका दाम 72 रुपये पर केजी, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, 72 में 63 घटाओगे तो कितना आएगा? जब 63 घटाओगे तो आपका आएगा 9। कितना आएगा? 9। और यहाँ 90 में से अब जब 72 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। RS लिख दो, ₹18, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? जब रेशियो लोगे तो RS 18 रुपये इज टू RS 9 रुपये, तो RS कट जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे और तो 2:1 का रेशियो। इसका मतलब यह है कि आपको 63 का 2 यूनिट लेना है और 90 का एक यूनिट मिक्स करोगे, मिक्स करके जब आप उसे 72 रुपये में बेच पाओगे, मतलब आप 63 का 2 यूनिट मिक्स लो और 90 का 1 यूनिट लेके दोनों को मिक्स करो, ठीक है। जब मिक्स करोगे तब आप उसको 72 रुपये में बेच सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ये अपना फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। RS 37 रुपये पर केजी के कितने चावल 48.40 रुपये पर केजी वाले 25 केजी चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपये पर केजी बेचने पर 15% का लाभ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कैटेगरी के चावल हैं, दो तरह के चावल हैं, 37 रुपये पर केजी और 48.40 रुपये पर केजी के, ठीक है। जो 48.40 रुपये पर केजी है उसकी मात्रा है 25 केजी, ठीक। अब 25 केजी में कितना 37 रुपये पर केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए कि उसको हम यदि 46 रुपये में बेचें तो हमको 15% का लाभ हो, क्वेश्चन यह कह रहा है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें 1 केजी मिश्रण का हमें क्रय मूल्य पता करना है, ठीक। 1 केजी मिश्रण का क्रय मूल्य जिसपे 15% का लाभ होगा, ठीक है। तो 100 × 46/115, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 40 रुपये। कितना आता है? 40 रुपये। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में जो ये 37 रुपये और 48.40 को जो आप मिलाओगे दोनों चावल को, तो एक्चुअल में उनका जो मिश्रण का मूल्य आएगा 40 रुपये, लेकिन अब हमें 15% का लाभ चाहिए। तो लाभ लेने के लिए हमें उसको मिश्रण को 46 रुपये पर केजी में बेचना पड़ेगा, ठीक। तो हमें हमारा ये कितना निकल कर आया? 40। अब इसको जो मेथड मैंने बताया था, इधर कितना है 37 रुपये पर केजी वाला चावल और इधर कितना है 48.40, पर केजी वाला चावल है, दोनों को जब मिलाते हो तो मिश्रण का दाम कितना हो जाता है? 40 रुपये पर केजी।
अब देखो यहाँ 40 में से 37 गया तो कितना आया, 3, ठीक है। और 38.40 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8.4, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो 37 का और 48.40 इन दोनों चावल का जो रेशियो होगा वो 8.4:3 होगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 8.40:3। इसको और सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगा आपका 14:5, कितना आएगा, 14:5। मैंने सीधे आंसर लिख दिया, ठीक है, आप सॉल्व करके सॉल्व कर लेना। तो कितना है, 14:5। अब हमें पता है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है उसका, ये जो 5 है ये 48.40 रुपये पर केजी के लिए, ठीक है। तो उसका कितना चावल की मात्रा है, 25, और हमें इसका 37 का तो फाइंड करना है। तो 37 का मान लो x मात्रा है और जिसका पता है 25 केजी इसका है, इसका जो रेशियो है ये जो है 3 इसके साथ है, तो 3 अब इसको सब सॉल्व कर लिया तो हमारा 5 आ गया, तो 5 किसके साथ है, 40 ये इसके साथ है, ठीक है। तो 14/5, अब इसको सॉल्व करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/14/5, कितना आ गया, सॉल्व करके बताओ तो आ जाएगा 70। 70 क्या, 70 केजी। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूध और पानी की अनुपात में मिलाए जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। क्वेश्चन समझ गए आप कि मतलब है दूध और पानी, पानी तो आपको फ्री में मिल जाएगा, पानी के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको, दूध के लिए आप पैसे दोगे तो इसमें जो कॉस्ट होगा वो दूध का ही होगा। तो दूध को और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मतलब जितना में आप खरीदे हो और उसमें इतना पानी मिला दो कि यदि आप उसको उसे खरीदे हुए दाम पे आप यदि उसको बेचते हो दूध और पानी के मिक्सचर को, तो आपको उसमें 20% का लाभ हो। ठीक, तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 केजी मिश्रण का मान लो, 1 केजी मिश्रण का विक्रय मूल्य मान लो कितना है, 1 रुपये, ठीक। मिश्रण का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। अब क्या करना चाहते हो आप, लाभ कमाना चाहते हो, ठीक है। तो लाभ कमाना है तो 1 केजी मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा, 1 केजी मिश्रण का क्रय मूल्य, 1 केजी मिश्रण का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदेगा, कितना में खरीदा था, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100/1/120, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 रुपीज, ठीक। ये कहने का मतलब यह है कि एक लाइन और यहाँ पे आप लिख लो, 1 केजी दूध का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये, ठीक। 1 केजी दूध का क्रय मूल्य 1 रुपये था, जब आप उस दूध में पानी मिला दिए और पानी मिला के आप उसको 1 ही रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि पानी आप कितना मिलाओ, कितना मात्रा, कितना रेशियो में मिलाओगे कि आपको फायदा हो, 20% का फायदा हो। तो अब यहाँ पे देखो, 1 केजी मिश्रण, 1 केजी जब 1 रुपये में उसको बेच रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उसका जो होना चाहिए वो 5/6 होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने इसका जो मिश्रण का जो पानी मिलाने के बाद जो उसका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 5/6 रुपये है। कहने का मतलब आप समझ गए
दूध का, दूध कितना में खरीदा? 1 रुपये में। पानी मिलाने के बाद आपने उसको कितने में बेचा? 1 रुपये में। 1 रुपये में जब बेचा तो उसका जो मिश्रण का जो जो दाम है, पानी मिला दिया दूध में, वो तो घट जाएगा ना, तो घटने पर कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक, अब 5/6 हो गया जब आप उस पर 20% का लाभ कमाओगे। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे देखो, दूध और पानी, पानी के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसका दाम पानी का 0 रुपीज हो गया। दूध का दाम, दूध का दाम खरीदने में खरीदा था 1 रुपये में, 1 रुपये में खरीदा था। अब उसको जब आप दूध और पानी को मिला दिए तो उसका जो एक्चुअल कास्ट कितना है? 5/6 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट 5/6 रुपये है, लेकिन आप लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में बेच रहे हो। तो जब जब आप उसको 1 रुपये में बेचोगे तो आपको कितने का लाभ होगा? 20% का। ठीक है, तो यही आपको दूध और पानी का रेशियो पूछा है। जब आप 5/6 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5/6। 1 में से 5/6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1/6। 1/6 आ गया। आप इन दोनों का रेशियो ले लो, 5/6:1/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5:2। इसका मतलब ये है कि दूध और पानी का जो रेशियो होगा वह कितना हो जाएगा? 5:1, दूध और पानी का रेशियो। मतलब है कि दूध यदि आप 5 यूनिट लोगे तो पानी आपको 1 यूनिट मिलाना पड़ेगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर। ये अपना चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए, इनमें से कुछ रुपए 8% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष 6% वार्षिक ब्याज पर उधार दिए। यदि 1.5 वर्ष में कुल ब्याज 2960 रुपये मिला हो तो अलग अलग दरों पर दिए गए मूलधन बताइए। ठीक है, कुल ब्याज 1.5 साल का कितना है? 3,960 रुपये। तो उसका अलग अलग जो दर पे कितना वो पैसे उसने दिए हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले दो अलग अलग दर है, 8% और 6%, उसकी जगह हम एक औसत दर फाइंड कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा, देखो ब्याज की औसत दर तो हमें ब्याज कितना है? 3,960 रुपये इक्वल टू मूलधन कितना है? 40,000 रुपये। समय साल कितना दिया हुआ है? 3/2। समय तो पता चल गया, और दर आर, फाइंड करना है आर, हमें फाइंड करना है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3,960 × 100 × 2 / 40,000 × 3। अब इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.6%। ठीक है, अर्ली है, 6.6% अर्ली। ठीक, अब देखो, पहला जो दर था 8%, इसको और कैसे, पहला दर पहला जो दर है रेट है पहला रेट इधर कितना दूसरा रेट लिखते हैं दूसरा दर पहला दर कितना है 8% पे दिया है, और दूसरा में दूसरी बार में 6% पे। तो दोनों यदि 3,960 ब्याज मिलता है तो उसके लिए यदि हम एक ही दर लगाएं तो कितना दर आएगा, रेट आएगा 6.6% का रेट आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि पहला जो रेट है दूसरा रेट है उनको किस रेशियो में दिया गया था। ठीक, अब देखो, इसमें से
माइनस करोगे 6.6 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.6। अब यहाँ से 8 में से 6.6 माइनस करोगे तो माइनस करोगे तो आपका आएगा 1.4। कितना आएगा 1.4, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6/40, मैंने सीधे लिख दिया है 0.6:1.4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/14। तो अब इसको और सॉल्व करोगे तो 3:7, 3:7 के रेशियो में दिया गया है। मतलब यह है कि जो 40,000 में से जैसे 3 यूनिट 8% दिया गया और 7 यूनिट 6% पे दिया गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट का दाम कितना है, 40,000 रुपये। ठीक है, तो 8% पे दिया गया, पहले 8% पे निकालते हैं, 8% पर दिया गया धन, 8% पर दिया गया धन। ठीक है, तो कितना अमाउंट है मूलधन 40,000, 40,000 कितने के बराबर, 10 यूनिट के, और 3 यूनिट किसको दिया गया है, 8% को। 10 में से 3 यूनिट 8% को दिया गया है। तो जब अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000 हो गए 8% पे दिया गया था। तो 6% पे दिया गया था, 6% पर दिया गया था 40,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 38,000, सॉरी 40,000 में 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 28,000। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। और एक जो तरीका है, आज जो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े होगे इस तरह के क्वेश्चन, वो आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जो मिक्सचर और एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट था, आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास 200 केजी चीनी था, इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर बेचा तथा शेष 15% लाभ पर बेचा। यदि सारी चीनी पर उसे 11% का लाभ हुआ हो तो उसने 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 8% लाभ और यहाँ पे 15% लाभ, और उसके बाद दोनों को मतलब पूरा चीनी बेचने को उसे कितना का लाभ हुआ, 11% का। ठीक, तो यहाँ पे 8% का लाभ हुआ, यहाँ पे 15% का लाभ हुआ। पहला लाभ, चलो ऐसे ही करते हैं सर, यहाँ पे 15% का लाभ हुआ, तो औसत लाभ कितना है, औसत प्रॉफिट, औसत लाभ कितना है, 11% का। ठीक है, तो 15 में से 11 गया 4%, और इधर 11 में से 8 गया 3%। ठीक, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 8% और 10 का ये है 15% का, 4:3। ठीक है, आप देखो टोटल चीनी कितना है, टोटल चीनी कितना दिया हुआ है, 200 केजी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना, 7 आएगा, 4 और 3 ऐड करोगे तो कितना का, 7। 7 यूनिट में से 4 यूनिट 8% पर बेचा गया और 3 यूनिट 15% पर बेचा गया, और वो जो 7 यूनिट है वह कितने, किसके बराबर है, 200 केजी के। ठीक है, तो अब 8% लाभ पर बेची गई
8% लाभ पर बेची गई चीनी। तो कितना चीनी बेचा उसने? 200 का मतलब 7 यूनिट का, 7 यूनिट में से 4 यूनिट उसने 8% लाभ पर बेचा। तो 4/7, 200 × 4/7। अब इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे यहाँ पे फ्रेंड्स एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ पे ये जो 200 केजी नहीं, 210 केजी है, 210 केजी। तो अब इसको बेचोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 सॉल्व करोगे तो 120 केजी। ठीक, इसका मतलब ये है कि 120 केजी पे उसने 8% लाभ पर बेचा। और जो शेष है, शेष कितना है, 90 केजी के से उसने 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, इस तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 और बार दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था, कितना दूध है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे। अब देखो, 40 लीटर दूध निकाल दिया गया। दूध निकालने के बाद जब 40 में से 4 लीटर जब दूध निकाल दिया गया तो कितना दूध बचा, शेष दूध 40 में से 4 लीटर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 लीटर दूध बच गया था। 36 लीटर दूध बच गया। तो अब यहाँ पे जो एक्चुअल दूध की मात्रा था वो 40 लीटर है और फाइनल जो दूध की मात्रा है वो 36 लीटर है। तो अब इसका रेशियो लोगे, तो जब रेशियो लोगे तो रेशियो 36/40 कितना आ गया, 9/10। इस मतलब क्या है कि एक्चुअल जो टोटल दूध था, मतलब जो टोटल मात्रा है, आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो दूध। अब उसके बाद तो पानी भी मिला दोगे, तो पानी जब मिलाओगे तो मिश्रण बन जाएगा। तो आप उसको ऐसे समझो कि जब आप उसमें जो मिश्रण, इसको आप कहो, जब मतलब मिश्रण पानी मिलाने के बाद बनेगा, लेकिन आप इस तरह समझो कि जो टोटल जो लिक्विड, आप इसको बोलो लिक्विड या घोल, जब टोटल लिक्विड की मात्रा 10 है तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है, 9 है। ठीक, अब यदि फिर से यदि आप यही क्रिया दोहराओगे, 4 लीटर निकाल लो और उसकी जगह पानी डाल दो, तो जब दूसरी बार जब करोगे उसमें दूध और पानी की मात्रा, उसमें जब निकालोगे तो दूध और जो पानी की जो रेशियो है वह पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, आप ये क्रिया कितनी बार दोहराया गया है, तो यहाँ पे टोटल 3 बार। देखो, यहाँ पे पहली बार पानी डाला गया, 4 लीटर निकाल के पानी डाला गया, उसके बाद यही क्रिया 2 बार और किया गया, तो इसका मतलब टोटल कितनी बार हो गया, 4 बार। ठीक, अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा, अंत में बने मिश्रण में, अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा 40 × टोटल। ये क्रिया कितनी बार दोहराई गई, 3 बार। तो यहाँ पे रेशियो, ये जो रेशियो आया है 9:10, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया। जब आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 29.16 लीटर। कितना आएगा, 29.16 लीटर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन SSC CGL में बहुत पूछा जाता है, या बैंक PO में, या कोई सा भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो यह क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक डिब्बे में 2 द्रव A तथा B 7:5 के अनुपात में है।
इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी भर देने के बाद ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो डिब्बे में द्रव ए की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन समझ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए की मात्रा मान लो इन दोनों का जब रेशियो है 7:5 है। 7:5 को हम क्या कर लिख सकते हैं? मान लो जैसे कि इसका जो ए और बी का जो मात्रा है 7x:5x है। तो ए की मात्रा कितना है? 7x, ठीक। ये जो x है, जो x जो वेरिएबल है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 7 में भी किया गया और 5 में भी किया गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो 7x माइनस, जब द्रव में ये जो मिश्रण में से 9 लीटर जब निकाला जाएगा तो इस 9 लीटर में ए और बी का जो मिश्रण होगा, जो ए जिस 9 लीटर में ए और बी का भी कुछ हिस्सा होगा, ए का भी कुछ हिस्सा होगा उस 9 लीटर में और बी का भी कुछ हिस्सा होगा, तो उस 9 लीटर में ए का कितना हिस्सा होगा? ए का कितना हिस्सा होगा? तो टोटल कितना है? 12 यूनिट, 12 यूनिट, 7/12 इंटू किस में 9 लीटर में कितना? 9 लीटर में इस अनुपात 7:5 के अनुपात में यदि 9 लीटर में ए का हिस्सा कितना होगा? तो अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 7x माइनस 21/4 लीटर। 7x माइनस 21/4 लीटर, ठीक है। अब बी की मात्रा बी का कितना है? बी की मात्रा है 5x। 5x में से जब आप यहाँ से 9 लीटर निकालोगे तो इस 9 लीटर में बी का कितना मात्रा है? बी का हमें फाइंड करना है। तो बी का मात्रा कितना है? 5/12 × 9, ठीक। अब उसके बाद इस मिश्रण में फिर इसके बाद 9 लीटर को निकालने के बाद क्या किया गया? बी को ही ऐड किया गया, बी का 9 लीटर ऐड कर दिया गया। इसका मतलब है कि 5x में से ऐसे से 9 लीटर में से कुछ हिस्सा इसको निकाल दिया गया, प्लस कितना? फिर 9 लीटर और डाल दिया गया इसी में, इसीलिए यहाँ पे +9 किया गया है, ठीक है। +9 किया गया है क्योंकि जो बी की जो मात्रा है उसमें जो पहले वाली जो मात्रा 5x थी, उसके बाद 9 लीटर को ऐड कर दिया गया, बी को ही ऐड किया गया ना, तो बी के साथ इसको ऐड करेंगे और उसमें से फिर जो 9 लीटर जो निकाला गया था उसमें बी की मात्रा कितना निकाल दिया गया, उसमें माइनस कर देंगे 5x में से, तो कितना आया? 5x प्लस 21/4 लीटर, ठीक है। अब इसके बाद रेशियो कितना दिया गया है? ए और बी का जो अनुपात है 7:9 है। ए और बी एक अनुपात ए का कितना है? 7x माइनस 21/4 अपॉन बी का कितना मात्रा है? 5x प्लस 21/4। रेशियो कितना है? 7:9। तो अब इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाती है? 3। इसका मतलब क्या है कि इस 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करो, इसमें जो 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 लीटर। इसको लिख देते हैं, प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितना आ जाएगा? 7:3 कितना आ गया? 21 लीटर, ठीक है। दूसरे हमने यहाँ पे x का वेरिएबल लिया था, इस x वेरिएबल को इस 7 भी मल्टीप्लाई किया गया, 5 में भी मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि इनिशियल में जब ये एक्स की वैल्यू 3 आ गया तो इनिशियल 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया, तो इनिशियल आपका निकल कर आ गया। इनिशियल कितना निकल कर आ गया? 21 लीटर। यदि आप इसी 3 का मल्टीप्लाई यदि 5 में कर दो तो 5 में कर दोगे तो 3×5 कितना हो जाएगा? 15 लीटर। इसका जो इनिशियल जो बी का मात्रा था वो कितना था? 15 लीटर।
इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।